हेलो गाइस एंड वेलकम टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एलियंस अर्थ पे आ चुके हैं और मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसके बाद एलियंस अपना पहला मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि वो पहले भी उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन अर्थ पे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं तो उन्हें सारी लैंग्वेजेस को समझकर एक कॉमन लैंग्वेज ढूंढने में टाइम लग गया और इसके बाद एक कॉमन फ्रीक्वेंसी ढूंढने में भी टाइम लगा। वो आगे कहते हैं कि ह्यूमंस को एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, वरना वो कभी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अब जब वो आ चुके हैं तो ह्यूमंस के आगे बढ़ने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। वो एलियन कहता है कि उसका नाम टायरिल है, वो वहाँ पे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया है। अगर ये जरूरी हुआ तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। टायरिल पिछले 20 सालों से किसी को ढूंढ रहा है। उस पर्सन को ढूंढने के लिए वो कई वर्ल्ड्स में जा चुका है और उन्हें वो पर्सन कहीं भी नहीं मिला, इसीलिए टायरिल ने उन सब वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो तब तक अर्थ को डिस्ट्रॉय करता रहेगा जब तक वो पर्सन खुद सामने नहीं आ जाता। अगर वो पर्सन यहाँ है और अर्थ की करोड़ों जिंदगियों को बचाना चाहता है तो वो सामने आकर सरेंडर कर दे। अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो इसके बुरे परिणाम निकलेंगे और वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये मैसेज अर्थ पे सभी को सुनाई देता है। तब मेजर सैंड्रा लिस एडजेंट से बात करती है जो उसी लैब में मौजूद हैं जहां क्लार्क की शिप को रखा गया है। अब सार्जेंट मेजर से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब मेजर सैंड्रा ली कहती हैं कि उन्हें रुककर किसी चमत्कार होने का वेट करना चाहिए। उधर क्लार्क एक छत पर अपनी कॉस्ट्यूम के साथ खड़ा है, वो सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वो कॉस्ट्यूम को वहीं पे छोड़कर फास्ट स्पीड से नीचे एलियंस पे अटैक करता है और चला जाता है। नीचे खड़े ओल्सन के कैमरा के अंदर क्लार्क की एक ब्लर्ड सी पिक्चर कैद हो जाती है। वो सोचता है कि ये पर्सन जो कोई भी है वो दुनिया को अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहता, इसीलिए इतना तेज अटैक कर रहा है। वो एलियंस के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता, इसीलिए उनसे लड़ने का कोई तरीका ढूंढ रहा है। तभी क्लार्क नियोडाइन इंडस्ट्रीज पहुंच जाता है जहां सभी लोग भागकर छुपने की कोशिश में लगे हुए हैं। तब क्लार्क मैनेजर को उन एलियंस का एक पार्ट दिखाता है जो क्लार्क ने लड़ते समय उनके अंदर से निकाल लिया था। अब क्लार्क मैनेजर को वो एलियन पार्ट एनालाइज करने के लिए कहता है ताकि उसे स्टडी करके वो लोग एलियंस को रोक सकें। तब मैनेजर कहता है कि ये उसका काम नहीं है और वो जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाने के लिए छिपना चाहता है। वो क्लार्क को भी छिपने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग नियोडाइन इंडस्ट्रीज खाली करके चले जाते हैं। अब क्लार्क सोचता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना एलियंस को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अब वो अपने पास्ट को याद करता है जहां उसके फादर क्लार्क को कुछ समझा रहे हैं। उसकी मॉम क्लार्क की एलियन कॉस्ट्यूम को प्रेस कर रही है। जोनाथन कैंट कहता है कि क्लार्क को वो कॉस्ट्यूम हमेशा अपने पास रखनी होगी, क्या पता कब उसे वो कॉस्ट्यूम यूज करनी पड़े। इधर लुइस लेन और ओल्सन एलियंस की पिक्चर्स लेने लगे हुए हैं। तभी एक रोबोट ओल्सन के पास आता है और पूछता है कि बाकी सब लोगों की तरह वो भी वहाँ से क्यों नहीं भाग रहा। तब ओल्सन कहता है कि वो एक न्यूज़ फोटोग्राफर है और वो पिक्चर खींचने से नहीं रुक सकता। तब वो रोबोट कहता है कि तुम एक पिक्चर के लिए मारे जाओगे। तब ओल्सन कहता है कि वो मरने के लिए तैयार है। वो रोबोट सोचता है कि शायद वो इसीलिए नहीं डर रहा क्योंकि वो वही है जिसे एलियंस ढूंढ रहे थे। तब एलियन ओल्सन पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी क्लार्क आकर उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर से चला जाता है। अब क्लार्क बाकी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। उधर टायरिल को अपना टारगेट मिल चुका है। अब टायरिल कहता है कि वह खुद उससे लड़ने जाएगा। इधर क्लार्क अपनी कॉस्ट्यूम के पास पहुंच चुका है और वो याद करता है कि उसने अपनी मदर को कॉस्ट्यूम का कलर चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन किसी भी डाई से कॉस्ट्यूम का कलर चेंज नहीं हुआ और उस कॉस्ट्यूम को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तब क्लार्क अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे एक मास्क नहीं पहनना चाहिए। तब उसकी माँ कहती है कि अगर ह्यूमंस ने उसे मास्क के साथ देख लिया तो वो लोग डर जाएंगे। ह्यूमंस को तुम्हारा फेस देखने की ज़रूरत है ताकि वो ये देख सके कि उसकी आंखों में कोई बुराई नहीं छिपी है, लेकिन उसे बाकी सारे टाइम मास्क पहनना पड़ेगा, यानी कि अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। अब क्लार्क अपनी माँ से पूछता है कि उसने कॉस्ट्यूम पे ऐश क्यों बनाया। तब वो कहती है कि जब क्लार्क अर्थ पे आया था तब वो किसी का सन था, यानी कि किसी का बेटा था, इसीलिए उसने ऐश बनाया है। इसके बाद क्लार्क प्रेजेंट में वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है
और सोचता है कि वो एक आम आदमी नहीं है बल्कि एक सुपरमैन है। अब क्लार्क नीचे जाकर एलियन रोबोट से लड़ने लगता है। टायरेल अपनी शिप में मौजूद है। शिप टायरेल को बताती है कि उनकी एलियन आर्मी रोबोट्स सुपरमैन को नहीं रोक सकते। तब टायरेल कहता है कि उस आर्मी का काम सिर्फ सुपरमैन को बाहर लाना था ताकि टायरेल सुपरमैन को खुद मार सके। अब टायरेल अपने शिप से बाहर निकल जाता है। उधर लुइस और ओल्सिन सुपरमैन की पिक्चर्स लेने में लगे हुए हैं और सुपरमैन एलियन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। अब टायरेल सुपरमैन के सामने आता है और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लड़ते हुए टायरेल सुपरमैन को बताता है कि उसने सुपरमैन की आंखों में देखा है और सुपरमैन को भी सच्चाई का नहीं पता। तब टायरेल कहता है कि सुपरमैन के प्लेनेट क्रिप्टन का डिस्ट्रॉय होना एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। टायरेल का प्लेनेट ढीरोन और सुपरमैन का प्लेनेट क्रिप्टन एक ही सूरज के चक्कर लगाते थे। क्रिप्टन चौथा प्लेनेट था जबकि ढीरोन पाँचवा। उन दोनों प्लेनेट्स की सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी सेम रेट से डेवलप हुई थी लेकिन ढीरोन वासियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि ढीरोन पर क्लाइमेट ज़्यादा डिफिकल्ट था और उनके रिसोर्सेज भी कम थे। फिर भी उन दोनों ने एक ही टाइम पे शॉर्ट रेंज स्पेस फ्लाइट डेवलप की। उन दोनों प्लैनेट्स की ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था इसीलिए वो हर टाइम एक दूसरे प्लैनेट पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे लेकिन हर 20 साल में उन दोनों प्लैनेट की ऑर्बिट्स पास आ जाती थी। इसीलिए हर 20 साल में उन दोनों प्लैनेट्स के लोग आपस में लड़ते थे ताकि वो एक दूसरे प्लैनेट के रिसोर्सेज को लूट सके। इस लड़ाई के कारण दोनों में से कोई भी प्लैनेट आगे डेवलप नहीं कर पाया और दोनों प्लैनेट्स को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तब एक दिन बाहर स्पेस से कोई ढीरोन प्लैनेट पे आया और उनके सामने एक समझौता रखा। उन्होंने कहा कि वो ढीरोन के क्रिप्टन से फाइट में मदद करेंगे। वो ऐसी मशीन्स देंगे जो क्रिप्टन प्लैनेट को पेनिट्रेट करके उनके कोर तक पहुंच जाएंगी। ये मशीन्स प्लैनेट के कोर की एनर्जी को सरफेस तक नहीं जाने देंगी जिससे कोर के अंदर एनर्जी बिल्डअप होती रहेगी और एक दिन प्लैनेट का कोर अनस्टेबल हो जाएगा और प्लैनेट का अनस्टेबल कोर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। उस प्लैनेट के मलबे से ढीरोन को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि सारा मलबा सूरज की तरफ चला जाएगा। बदले में वो ढीरोन वासियों से कुछ मांगता है। 2 साल के बाद क्रिप्टन और ढीरोन पास आने लगे। ढीरोन वासियों ने क्रिप्टन वासियों से छुपाकर वो मशीन क्रिप्टन पे एंगेज कर दी और एक दिन क्रिप्टन डिस्ट्रॉय हो गया। उनके एग्रीमेंट के अनुसार क्रिप्टन प्लैनेट का कोई भी निवासी जिंदा नहीं बचना चाहिए था लेकिन उनको कई साल बाद पता चला कि एक बच्चा उस प्लेनेट से बाहर निकलने में कामयाब हो चुका है और उसी को ढूंढते हुए टायरेल वहां पर आया है। अब वो सुपरमैन को मारकर अपना अधूरा काम पूरा करेगा और साथ में वो प्लेनेट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। अब सुपरमैन कहता है कि टायरेल को स्टोरी बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब टायरेल कहता है कि उसने सुपरमैन को एंगेज रखा ताकि वो अपना काम कर सके। तब सुपरमैन पीछे देखता है कि प्लैनेट के कोर को डिस्ट्रॉय करने वाली मशीन्स अर्थ पे हर जगह आ चुकी हैं। अब सुपरमैन टायरेल को वो मशीन्स वापस ले जाने के लिए कहता है। तभी टायरेल सुपरमैन पे एक बीम से अटैक करवाता है। अब टायरेल कहता है कि जब वो अपने स्टार सिस्टम से बाहर गया था तब उसे पता चला कि अलग अलग स्टार्स टायरेल और सुपरमैन को अलग अलग पावर्स देते हैं। कुछ स्टार्स उनको पावरफुल बनाते हैं और कुछ उनकी सारी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं। उसी नॉलेज का यूज करके उसने सुपरमैन पे एक एनर्जी बीम से अटैक किया है जिससे सुपरमैन हेल्पलेस हो गया है और साथ में सुपरमैन हैवी ग्रेविटी के कंट्रोल में है। तब टायरेल की शिप बताती है कि ड्रिल्स प्लैनेट के कोर तक पहुंच चुकी है और उन्हें एक्टिवेट करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। अब टायरेल सिंक्रोनाइजेशन के लिए अपनी शिप में चला जाता है। तो दोस्तों ये पार्ट ज़्यादा लंबा हो रहा है और इसीलिए मैं इसको यहीं पर रोकना चाहूँगा।